इसलिए कहते हैं जो दो महापुरुष हुए इनका इनकी कथा में विशेष करके राधा रानी की जो भक्ति है, हाँ, राधा रानी की जो प्रेम है, हमारे महाराज जी भले ही जहाँ से शुरू कर क्यों नहीं करे कथा, लेकिन जब समाप्त करते थे पूरा की भाव में लेकर समाप्त करते, जब तो वहां पर समाप्त नहीं करते तो गुरुदेव गुरुदेव को चैन नहीं, हाँ, इसलिए गुरुदेव सुर करके भले ही जहाँ से लेकिन राधा रानी भक्ति में ही इसको लेकर स्थापन करते हैं। इसलिए कहते अगर कृष्ण भक्ति रस में कोई डूबना चाहते हैं पहले उनको राधा रानी के चरण आश्रय लेना पड़ेगा, तब तो कन्हैया जाकर कहीं मिल सकते, नहीं तो कन्हैया इतना सहज नहीं। इसलिए सुख सारी संवाद में, हाँ, जब महाप्रभु ब्रज मंडल परिक्रमा करते करते पहुंचे कहाँ पर, बोले बहुलावन। बहुलावन में पहुंचे तो देखा वहां पर तोता और मैना में लड़ाई हो रहा है। तोता तो बैठा हुआ डाली का पेड़ में और मैना अंगूर का, हाँ, लता में बैठा हुआ, हाँ, तोता कृष्ण का पक्ष ले लिया और मैना ने श्री राधा रानी की पक्ष ले लिया। तोता ने कहा, बोले भैया हमारा कन्हैया तो गिरिराज धारण किया था, मैना के चुभ रहा कृष्ण ने गिरिराज धारण कर लिया। बोले बताओ कौन सा साइड में धारण किया था, बोले बाम साइड। बोले कौन सा हाथ, बोले बाम हाथ। बोले कौन सा अंगुल, बाम अंगुल। बोले बताओ कैसे कृष्ण ने धारण किया, बोले अपना शक्ति से। बोले भैया ये बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है, बोले श्री राधा रानी। तो गिरिराज ने धारण किसने किया, राधा जी ने धारण किया। इसलिए बोले कछो माखन को बल बढ़ो, कछो गोपने करी साय, श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर लिया उठाए। बोले श्री राधा रानी की। तोता ने कहा देखो हमारा कन्हैया सिर पर मोर पंख धारण करते हैं। मैना ने कहा तेरे को पता है और कोई मिला नहीं उनको मोर पंख धारण कर ली, क्यों ये मोर पंख धारण किया। बोले हमारे श्री राधा रानी का नाम उसमें लिखा हुआ, तब तो मोर पंख धारण किया है, हाँ? इसने तोता ने कहा देखो हमारे जो कन्हैया है ना हर समय कदमों को पेड़ नीचे पेड़ खड़े होकर बंसरी बजाते हैं। मैना ने कहा और कोई पेड़ क्या वृंदावन था नहीं और किसी पेड़ को नीचे खड़े होकर बंसरी बजा सकते थे, ये कदम को पेड़ को नीचे क्यों खड़े हो गए, क्योंकि वृंदावन में दो वृक्ष है एक कदम और एक तमाल। बोले तमाल का जो वृक्ष है रंग काला है कृष्ण का स्वरूप बता है, और कदम का रंग जैसे राधा रानी गोरी वो कदम का रंग भी गोरी है, हाँ? इसलिए कदम वृक्ष को राधा रानी स्वरूप माना गया। बोले कृष्ण रोज उसी वृक्ष को नीचे क्यों जाते थे, बोले कारण है राधा रानी रोज यही आती है, हाँ? अगर वहां पर खड़े होकर बंसरी बजाएंगे तो राधा जिसका मिलन हो जाएगा इसलिए खड़े होते थे। इतने में तोता ने कहा मेरे श्याम सुंदर हर समय बाम तरफ में झुंके हुए रहते हैं, देखना कन्हैया किधर झुंके हुए रहते हैं, वो तीन जगह में टेढ़े हैं, वो हर समय बाम तरफ में झुके हुए रहते हैं। मैना ने कहा तुमको पता है वो बाम तरफ में क्यों झुकते हैं, डांड तरफ में क्यों नहीं झुकते, मतलब बाम तरफ में हमारी किशोरी राधा रानी खड़ी रहती हैं, इसलिए वो बाम तरफ में टेढ़े रूप में खड़े रहते हैं राधा जी के चरणों को पाने के लिए। सिर देखा ना ऐसे करके रहते क्यों, बोले सिर राधा जी के चरण में लग जाए, हाँ, इसलिए तो खड़े रहते हैं, हाँ, इसलिए दोनों में लड़ाई हो रहा था, हाँ, एक का दूसरे का पक्ष ले लिया। इसलिए कहते हर समय श्री राधा रानी की ही जय जयकार है हर समय। इसलिए कहते श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वत्र श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए बोले एका भ्रुकुटी मा बाध्या संभृता प्रिय संभव, वहां पर बताए जब रासलीला हो रही थी, रासलीला के बीच में कृष्ण अंतर ध्यान हुए, फिर गोपियों ने ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिला तब जमुना किनारे में बैठे बैठे करके गोपी गीत को गाए। जब ब्रज गोपियों ने गोपी गीत को गाए कहते गोपी गीत में इतने शक्ति इतने उसमें आकर्षणीय है, ये गोपी गीत को सुनकर कृष्ण रह नहीं सके। बोले गोपियों के बीच में मनमथ का मनमथ रूप लेकर कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं। जब वहां पर प्रकट हुए कुछ गोपियां थी वहां पर झट आ गई, आकर कोई उनका चरण पकड़ लिया, किसी ने उनका बाहु पकड़ लिया, किसी ने कन्या का दुपट्टा पकड़ लिया, किसी ने उनको गलवहनिया लगा दी, किसी ने प्रभु को मुंह में बोले प्रभु थोड़ा तांबुल दे दो पान की बिड़िया दे दो। कुछ गोपियां तो कृष्ण के पास में, लेकिन कुछ गोपियां पास में फटकी नहीं, कुछ दूर में खड़ी हुई थी गोपियां, हाँ?
और एक गोपी वो इतने क्रोधित होकर के, इतने मानवती होकर के दूर में खड़ी होकर के बोले एका भ्रुकुटि महाबाद्य एकदम तेरे नजर में बड़े क्रोधित होकर जला डालेगी कृष्ण को, बड़े टेढ़ी से भौंर खड़े हाँ भौंगे टेढ़े करके कृष्ण को देख रही थी। तद भागवत में इतना बोल दिया और कुछ बोला नहीं। लेकिन यहाँ हमारे सनातन गोस्वामी इस सारे रहस्य को श्री सनातन गोस्वामी प्रकट किया। बोले भैया इसमें पास में कौन खड़े हुए, दूर में खड़े खड़े वो अकेली कौन है? बोले वहां पर जो पास में कोई तांबुल मांग रहे, कोई गलबे नहीं आ दे रहे, बोले ये चंद्रावली की सबके सब सखियां हैं। हाँ कहते इनका दो तरह का स्नेह है, एक घृत स्नेह और एक मधु स्नेह है। कहते ये जितने सबके सब, कहते ये सबके सब घृत स्नेह है। घृत स्नेह मतलब घी, मतलब घी, घी को खाओ वैसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा मिला दो रोटी में दे दो सब्जी में डाल कर खाओ स्वाद होगा। लेकिन जो मधु स्नेह, मधु में कोई चीज मिलाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही मधु है। हाँ किस रूप में मधु को खा सकते हो? बोले राधा रानी का जो प्रेम है पूर्ण रूप में। लेकिन जो घृत स्नेह है कहते चंद्रावली पक्षिया की, ये सबके सब सखिया चंद्रावली पक्षिया की, ये सबके सब हाँ कहते तदीय हम तुम्हारा हूँ। और राधा रानी का जो भावना है हम मदीय कृष्ण मेरे हैं। हाँ कहते ये सब के सब वहां पर थे। कहते भैया जो दूर में खड़ी होकर देख रही थी वो कौन है? ललिता विशाखा चंपकला थी राधा रानी के पक्षे की सखिया। हाँ लेकिन जो दूर से एक खड़ी होकर के बड़े टेढ़ी नजर से देख रही थी वो कौन थी? बोली राधा रानी। लेकिन कृष्ण का मन भले कोई पार पाप प्यार पकड़े, कोई गलबहनिया दे, कोई कपड़े को पकड़े, कृष्ण का ध्यान हुआ नहीं था। कृष्ण तो केवल राधा रानी की तरफ में एक बार केवल राधा जी की तरफ में देख रहे थे। जो ललिता विशाखा जी सखियां अपना सौभाग्य की वर्णना कर रहे थे, बोले देखो देखो तो सही, भले ही उसको कोई प्यार पकड़े कंधे पकड़े और तांबुल मांगे, लेकिन कन्हैया का ध्यान किधर है? बोले केवल हमारे राधिका के प्रति ध्यान है। बोले राधा रानी की सौभाग्य यहाँ सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का सौभाग्य है। इसलिए सनातन गोस्वामी सभी का नाम को ले लेकर वर्णना करते हैं, राधा रानी की महिमा को स्थापन करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले जय जय श्री राधे। कहते हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते एक श्लोक को द्वारा वो राधा रानी की, वहां पर तो राधा रस सुधा नीति एक ग्रंथ है जिसमें केवल राधा रानी की महिमा, राधा जी की महिमा वर्णना किया। और एक श्लोक है बोले राधा रानी के चरण कितने दुर्लभ है, राधा रानी के चरण की दुर्लभता को बता रहे हैं। बोले अनारत बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुर्लभ पदारविंदम, बोले राधा रानी का चरण कितने दुर्लभ है। बोले ब्रह्मा, ब्रह्मा भी भगवान का चरण को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ इसलिए भागवत में आप लोग सुने ब्रह्मा ने कृष्ण का बछड़े सखा को चुराया। जब उनको बाद में पता चला कि कृष्ण कौन है, ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण सारे कारणों का कारण है, जब उनको ये बात पता चला ब्रह्मा जी बड़े नाक रगड़े, बहुत प्रार्थना किया, भगवान खुश नहीं हुए। लास्ट में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते बोले प्रभु आपका ब्रज में तो हम कहीं जन्म नहीं ले सकते हैं, ब्रज का बाहर कहीं पत्थर रूप में जन्म हो जाए जहाँ छोटे जाति के लोग रहते हैं, तभी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति और लास्ट में ये बरसाना में पत्थर रूप में जन्म लेते हैं, पहाड़ रूप में। कर जिनके चरण कमल ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। बोले ब्रह्मेश्वर आदि, बोले ईश्वर, बोले शंकर जी, आप लोग वृंदावन में गए, शंकर जी रास दर्शन करने के लिए आए, गोपी भी बन गए लेकिन दर्शन आए, गोपियों ने चोटी पकड़ कर शंकर जी को निकाल दिया। शंकर जी क्या, कृष्ण क्या बोले आज से यहाँ पर धरवान बनो क्षेत्रपाल का, शंकर जी क्या कर रहे हैं वहां की धरवान की काम कर रहे हैं, जिनके लिए कृष्ण, जिनकी राधा जी की चरण की इतने दुर्लभता है। बोले आदि, बोले आदि मतलब कहते स्वयं यहाँ पर उद्धव है। उद्धव जब ब्रज में आए और ब्रजवासियों के सौभाग्य को देखा, फिर गोपी और राधा रानी के जब सौभाग्य को देखा, भ्रमर गीत को सुने, बोले उद्धव शुद्ध हो गयो, सुनी गोपियों की बोल, प्रेम बजाए हैं कत कत ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल, कत उद्धव शुद्ध हो गयो। बोले उद्धव एकदम सीधा हो गया, भगवान की गोपियों के प्रेम को देख देख करके,
उद्धव जैसे व्यक्ति क्या प्रार्थना करते हैं, कभी क्या वृंदावन में गुल्म लता औषधि नाम, कभी यहाँ गुल्म लता औषधि वृक्ष रूप में क्या जन्म ले सकता हूँ। जब गोपियां भगवान को साथ में श्रृंगार करके चलेंगे, घास बनेगा तो कम से कम सिर पर तो प्यार रखेंगे। बोले इसलिए कहते एक धूली प्रार्थना करते, बोले किसकी, कहते श्री विश्वनाथ चक्रधर राधा जी की चरण की एक धूल, मतलब एक भाव को। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के गिरिराज तलहट में घास बनकर तपस्या कर रहे। बोले नारद जी अब लोग गोवर्धन गए हैं, नारद जी जब शंकर जी के मुंह से अष्टकाल लीला उन्होंने सुना है, सर्वश्रेष्ठ भाव गोपियों के भाव को समझा, बोले जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगा मिलेगा नहीं। नारद भी जहां पर उद्धव कुंड में कितने साल तक तपस्या किया है, इसलिए कहते आदि जितने बड़े बड़े, कहते राधा जी बोले ब्रह्मेश्वर आदि, बोले भैया इनकी बात छोड़ दो, इनको तो मिलना कठिन इनके लिए है, लेकिन ईश्वर आदि, बोले जो आदि ईश्वर जो कृष्ण है ना, बोले भैया राधा रानी कभी अगर मान कर लेती ना वृंदावन में, गए ना कुंज सभा कुंज देखा कि नहीं, सभा कुंज नाम क्यों बड़ा इसका, हाँ इसलिए रसखान कहते बोले ब्रह्म वेद में ढूंढो पुराण में ढूंढो, हाँ इसलिए सारा दुनिया में मैंने उसको ढूंढा है, लेकिन वो परम ब्रह्म हमें कहीं नहीं मिला। बोले कहाँ मिले, बोले वृंदावन में आकर के मिले। बोले कौन सा स्थान में मिले, बोले सेवा कुंज में। बोले भैया ये परम ब्रह्म को क्या करते हुए तुमने देखा, बोले बैठ पैलोट राधिका पायन, हमने देखा राधा रानी की चरण को दबाते हुए, राधा रानी चरण की सेवा करते हुए परम ब्रह्म मिले हैं। इसलिए कभी कभी अगर श्रीमती राधा रानी मान कर लेती है कभी कुंज में, श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले जत किं करि सुबहु स खलुका कुबाणी नित्यं परस पुरुषस्य शिखण्ड मौले जस्या कदा वृषभानुजाया तत केल कुंज भवनांगनि मार्जनिसा। बोले भैया मेरा कभी ऐसे सौभाग्य क्या होगा। बोले भैया क्या मांग रहे, बोले कौन मांग रहे, बोले तुंग विद्या, हाँ प्रबोधन तुंग विद्या है, क्या प्रार्थना करती है, बोले जिस कुंज में श्री राधा रानी मान किए, और आज इतने मान की, बोला आज किसी काले व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, कोई काले आए तो घुसने मत दिया करना, और मंजरियों को बाहर खड़ी कर दिया। कृष्ण आकर के सखी मंजरियों के चरण में हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी ईश्वर जी को साथ में मिलने हमें, तो वो घुसने नहीं दे रहे, बोले जहाँ से आए वहीं जाओ, राधा रानी आज मान की। इसलिए वो कह रहे हैं जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई, कृष्ण भी जिनसे मिलने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, वो कुंज में जब मंजरी सखियां झाड़ू लगाती हैं, वो झाड़ू का एक क्या सलाका बन पाऊंगा, जिस राधा रानी में कुंज मेले में कर क्या मैं उसका एक सलाका बन पाऊंगा कभी राधा जी के चरण की सेवा में। देखो कितने बड़ी चीज प्रार्थना करते हैं ऐसे, कहते ब्रह्मेश्वर आदि। भैया अगर कृष्ण के लिए भी कभी कभी राधा जी की चरण कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है, अगर राधा रानी कभी दुर्जय मान करता है, श्याम सुंदर मौर मुकुट उतार कर रख देते राधा जी के चरण में, अपना उनके चरण में अपना बंसी रख लेते हैं, अपना नाम को राधा जी के चरण में लिख देते हैं, बोले हे राधे अभी तो मान जाओ। बोले स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव उदारम, हे राधे तुम्हारे चरण तो बड़े उदार हो, तो बड़े दयाल हो, तुम्हारे चरण मेरे सिर पर रख दो। इसलिए यहाँ तक भी इसलिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुर्लभ पदारविंदम श्रीमद् पराग परमाद्भुत वैभवया, यहाँ पर बताए राधा रानी की चरण की जो पराग है जो धूल है। बोले भैया राधा जी के चरण में अद्भुत शक्ति, उनका चरण धूल में, हाँ उनका चरण में धूल में अद्भुत शक्ति है। इसलिए वो कीर्तन में भक्तिमन ठाकुर कहते राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनासे पाए घन श्याम, राधा रानी का चरण का धूल अगर किसने अपना शरीर में भूषण कर दिया तो वो अनायास में श्याम सुंदर प्राप्त हो जाते, अद्भुत ऐसे चरण तुल्य राधा जी की। बोले ऐसी जो राधा रानी है जिस दिशा में राधा रानी बैठी हुई, कहते वो दिशा को हम बारंबार हम वो दिशा को हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे श्री राधा रानी की प्रेम की महिमा है। बोले श्री राधा रानी की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो 5 मिनट सुन लो, राधा रानी जन्मोत्सव करके फिर राधा रानी की बधाई सुन लो, ठीक बधाई कीर्तन का।
बोले देखो श्री वृषभानु महाराज के घर में एक बेटा है, श्रीदाम है, लेकिन उनके मन में इच्छा है घर में एक बेटी होनी चाहिए, हाँ, इसलिए बड़े चिंता। रोज वृषभानु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे यमुना में नहाने के लिए। आज का दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में श्री वृषभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए उतरे, देखा एक सततल कमल पुष्प के ऊपर में एक सुंदरी बालिका किलकारी मारते हुए शरीर का तेज से चतुर्दिग उद्भासित हो रहा है और राधा रानी बहते 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 आ रही है। श्री वृषभानु महाराज पानी में उतरे और राधा रानी को वहीं से उन्होंने उठा लिया। बोले श्री राधा रानी लाए और कृतिका को दे, बोले कृति दे ठाकुर की विशेष कृपा हमें एक बालिका दिए। कृतिका को ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी है, लेकिन है तो उनकी नित्य पुत्री, राधा रानी उनकी नित्य पुत्री है, जिसके पीछे बहुत लंबी कथा और कभी सुनना। इसलिए अभी जब इनके घर में अभी राधा रानी आ गई, कृष्ण देखा गोकुल में तो कृष्ण आ चुके हैं, कृष्ण तो अकेले आएगी नहीं, जरूर कहीं राधा रानी भी आई है, शक्ति आई। अभी नारद जी गली गलियों में सर्वत्र ब्रजमंडल में घर घर में जाकर पूछ रहे, भैया घर में कोई संतान भई है, कहीं ललिता कहीं विशाखा, लेकिन वो राधा रानी कहीं नहीं मिल रही है। ऐसे करते करते जब रावल में आए, वृषभानु महाराज को पूछे घर में कोई संतान भई है, उन्होंने अपना बड़ा बेटे को श्रीदाम को लाकर दिखाए, बोले नहीं, हाँ नहीं तब घर में कोई बेटी भई है, इतना बोलते चुप हो गए। बोले बताओ ना, क्योंकि बेटी को उन्होंने यमुना से प्राप्त किया, तो उन्होंने बोला हाँ एक बेटी भी ले आओ। जब श्री वृषभानु महाराज लाए, बस नारद तो देख कर पहचान गए, बोले भैया यही तो, इनको ही तो हम ढूंढ रहा था, जो रमेश्वरी खेमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, कहते इनके ही तो मैं ढूंढ रहा था। अभी नारद जी राधा जी की थोड़ा स्तुति करना चाहते, देखा ये तो सोच रही है मेरी बेटी है, इनको पता नहीं ये बेटी कौन है, उन्होंने बहाना बनाया। बोले देखो बेटी को मैं आशीर्वाद दूंगी, हाँ आशीर्वाद दूंगा, घर से कुछ स्वस्ति वाचन का वस्तु ले आओ। जब वो गए, झट राधा रानी एकदम किशोरी बन गई, ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई। ललिता बोले नारद जी को क्या देख रहे हो, अभी राधा रानी अंदर ध्यान हो गई, स्तुति तो जल्दी जल्दी करो, राधा जी की प्रणाम करो। बस श्री नारद जी सुंदर राधा जी की स्तुति करने लग गए, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते तदा करिष्यसि मम बोलते बोलते राधा रानी अंदर ध्यान हो गई, नारद जी प्रेम में गदगद हो गए। राधा जी बोले देखो अभी नहीं, तुमको फेर गिरिराज तलेटी में कुसुम सरोवर के पास में वहीं पर फेर तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। इतने में उन्होंने ऊपर ऊपर से उनका आशीर्वाद दिए। लेकिन राधा जी जब से जन्म हुई तब से आंख बंद कर कर गई, उनकी इच्छा पहले मैं श्याम सुंदर को देखूंगी, फिर दुनिया में किस चीज को मैं देखूंगी। अभी नंद बाबा को उन्होंने निमंत्रण दिया, वृषभानु महाराज मेरे घर में लाली भाई आओ। अभी वृषभानु महाराज अभी अपना लाला को लेकर के आए, जब लाए तो ये राजा की बेटी, ये राजा की लाला है। तब मैया जशोदा ने किया कि कन्या को लेकर राधा रानी जिस पलंग के ऊपर में लेटी हुई थी उसमें कृष्ण को लेकर रख दिया। रखते ही कृष्ण ने किया कि अपना हाथ को लेकर के राधा रानी के ऊपर रख दिया। राधा रानी को कृष्ण का स्पर्श होते ही राधा जी को पता चल गया मेरे प्रियतम आ गए। बहुत झट से राधा रानी अपना आँख को खोल दिया, आँख खोल कर देखे श्री श्याम सुंदर है। बोले श्री राधा रानी की जय। वृषभानु महाराज तो उत्सव कर रहे थे लेकिन मन मन में दुखी थे, बोले बेटी तो भाई है लेकिन जन्म से पता नहीं आग बंद करके अंदर अंदर में क्या सोच रही है। लेकिन जब उसने आग खोल दी,
फिर तो वृषभानंद महाराज प्रेम में गदगद हो गई, प्रेम में एकदम मुग्ध हो गई। फिर तो उन्होंने पूरा ब्रज मंडल को उन्होंने नौता दे करके बड़े धूमधाम से राधा रानी के जन्म महोत्सव को उन्होंने पालन किया है। हम भी आज राधा रानी आज जन्म हुई, हमारे जितने गोस्वामी हैं सबके सब राधा, हमारा जो संप्रदाय कौन सा संप्रदाय, ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय है। भाई प्रभु जी बता रहे थे हम गौड़ीय संप्रदाय, बोले क्यों गौड़ीय मतलब क्या है, बोले एक अर्थ है श्रीमान महाप्रभु जहाँ जन्म हुए गौड़ देश में है, और महाप्रभु का नाम गौरांग और राधा रानी ये गौरांगी है। हम लोग जो गौड़ीय का एक अर्थ है, हम लोग का जो आराध्या है श्रीमती राधा रानी, हमारी यही आराध्या है। हम सबके सब हमारी गुरु परंपरा ये राधा रानी की सब मंजरी सखियां हैं, हम इसी धारा में हम आए हैं। हमारे सारे गुरु परंपरा राधा रानी के चरण की सेवा की प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान इसी धारा में आए हैं। इसलिए आज का दिन राधा रानी तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन पहले तो गुरु जी की कृपा हुआ हमारा पर है। कल कभी लोकनाथ मरे संगे ले आ जावे, श्री रूप पाद पद में मरे समर्पित, कौन ले जाएगा, बोले नरोत्तम दास ठाकुर कहते मेरे गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ कर कहाँ ले जाएंगे। लेकर के उन्होंने अपना परम गुरुदेव के पास में उन्होंने लेकर के विनोद बिहारी विनोद मंजरी, फिर लेकर कमल लेकर नयन मणि मंजरी, फिर लेकर कमल मंजरी, वैसे लेते लेते रति मंजरी, फिर रूप मंजरी, फिर ललिता, कल ललिता की जन्म हुई थी, फिर ललिता लेकर के राधा रानी की सेवा में लगाए। हम डायरेक्ट सेवा नहीं प्राप्त कर सकते, ये छलांग लगाने का चीज नहीं, ये गुरु परंपरा के द्वारा हम वह चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु जी की कृपा हमारा प्रति हो है, गुरु जी कृपा हो और हम लोग भगवान राधा गुरु जी कृपा से भी राधा रानी के चरण की हमें सेवा मिले। लेकिन एक बात है, क्या एक बात है, भक्ति रूप गोस्वामी ने बताई भक्ति दुर्लभ नहीं, भक्ति सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। और हमारे उपनिषद में बताया भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ गुरुता, भक्ति मार्ग में टिका रहना बड़ा कठिन है। हाँ गलत रास्ता में आसानी से जा सकते हो, लेकिन भक्ति में सहज में नहीं आ सकते। एक बिल्डिंग बनाना कितना कठिन, तोड़ना आसानी से है। इसलिए जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, इसलिए मेरे गुरु जी केवल यही कहते थे भैया कोशिश करो एक जीवन किसी तरह से मिलजुल करके हाँ हरि कीर्तन करते करते भगवान की भक्ति करते करते एक जीवन बिताओ। हम संस्कार रहित व्यक्ति कैसे गुरु वैष्णव हमारा चोटी को पकड़ करके यहाँ पर लाए, और कलयुग में कोई भी मत कोशिश करो हम अकेला होकर के एक कहीं स्थान कर देंगे, कभी भी नहीं। कलयुग में बताया संघे शक्ति, संघे शक्ति मतलब है जब तक हमारे इकट्ठे हम नहीं रहेंगे तब तक इतना आसानी नहीं भक्ति करना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एका कि अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु। अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं, अकेले गंदे रास्ता में जा सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ इसलिए जब तक हम गुरु वैष्णव का संग नहीं मिले, जब तक भक्तों का संग में हम नहीं रहेंगे, अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर भक्ति देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे भक्ति धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, होते होते कंठी भी कहाँ चली जाएगी, तिलक भी कहाँ मिट जाएगी, कुछ देखो माला भी है माला भी इसलिए माला भी कहीं चली जाएगी, क्योंकि जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे उत्साह नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करो सबके साथ मिल करके, हाँ यहाँ पर तो मुझे बहुत आनंद मिला क्योंकि देखा यहाँ के भक्त लोग सब एकत्रित होकर के 7 दिन तक रहे, बड़े धूमधाम से कीर्तन हरि कथा। कहीं एक जगह में जाओ एक मृतक या ढूंढना कठिन है, लेकिन यहाँ 5-6 मृतक यहाँ पर बजता है 5-6 मृतक बजा कर कीर्तन करते हैं। हाँ और देखा यहाँ के भक्त लोग में बड़े उत्साह है ये सबके सब मिलजुल। इसलिए आप लोग कोशिश करना धीरे 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 धीरे, महाप्रभु कहते हैं गोष्ठ वर्धता, हमारे जो गोष्ठी धीरे धीरे बढ़ते रहे, हाँ धीरे धीरे बढ़ते रहे। इसलिए कोई कोशिश नहीं करना टूट करके अलग करने के लिए, सबके सब कोशिश करना। हाँ देखो हम बद्ध जीव होने का नाते हमारा अंदर में थोड़ी थोड़ी विचारधारा में थोड़ी थोड़ी रहेगा, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हाँ बद्ध जीव है, तब भी कोशिश करनी चाहिए थोड़ी अगर इधर उधर हो, फिर सबके सब मिल करके एकत्रित हो बैठे कीर्तन करे हरि कथा सुने। हाँ हरि कथा सुने, देखो
एक साधु से मैं कथा सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताया। उन्होंने बताया जो भजन है ये बेड़ा है और साधु संग ये पहरा है। देखो ये चीज को समझो, एक बहुत अच्छी बात बताए। जैसे आप यहाँ से आप जा रहे हो जगन्नाथ, आप जा रहे हो इंडिया जा रहे हो, आपका घर है, आपका घर का चारों तरफ में प्राचीर है, बहुत दृढ़ प्राचीर है, हाँ प्राचीर है। अब जा रहे हो कहाँ, इंडिया, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए गए, वो भी सुरक्षित है। लेकिन एक बोले पहरा है, पहरा मतलब अपने एक पहरादार को रख करके आप कहीं गए हो, आप किस में ज्यादा सुरक्षित हो? भले ही जितने बड़े बढ़िया प्राचीर क्यों नहीं हो, चोर किसी समय भी आकर के वो प्राचीर को तोड़ करके आपका घर को माल सब ले सकता है। लेकिन आपका प्राचीर भाजी कोई है नहीं, लेकिन आपने एक पहरादार रख कर गए, हाँ एक गेट कीपर रख कर पहरादार रख कर गए, आप निश्चित रूप में जाओगे। क्यों? आपको पता पहरा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भजन कभी कभी हम जो स्वयं अपना अपना भजन करते हैं, कहते प्राचीर है लेकिन पहरादार किया है, बोले साधु संघ है। अगर हम साधु संघ में अगर हम रहेंगे हर समय, कभी भी हमारे भजन का कभी नष्ट होने का चांस नहीं, क्योंकि हम भक्तों का साथ में रह करके भजन कर रहे हैं। अगर अकेले, अगर अकेले हो, भले ही जितने बड़े प्राचीर मोटा से मोटा हो, किसी समय भी तोड़ करके कोई चोर घुसेगा, सारे माल ले सकता है। क्योंकि हमारा जब, इसलिए देखो दो तरह का वृक्ष बताए गुरु जी बताते थे, जब पौधा छोटा हो, छोटा हो क्या करना पड़ता है, रोज उसमें पानी देना जरूरत है, क्योंकि नहीं तो वो मर जाएगा वृक्ष, वृक्ष मर जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने बताए श्रवण कीर्तन जले करे सचन, श्रवण कीर्तन ये पानी का काम करता है। इसलिए अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे धीरे 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 पौधा सूख जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी। इसलिए हम लोगों को सबके सब मिलजुल करके हरि कीर्तन हरि कथा करो, उसमें उत्साह आएगा भजन में, हाँ नहीं तो धीरे धीरे भक्ति डाउन हो जाएगी। इसलिए हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर भक्त लोग मिलजुल कर कीर्तन हरि कथा सबके सब कर रहे हैं, हम तो बड़े खुश हुए। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, हाँ ये जगह को लेने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं और भी हो तो बड़ा जगह ले कहीं पर गुरु जी का मंदिर स्थापन कर। इसलिए आप लोग सबके सब कोशिश करना, हम मिलजुल करके सबके सब गुरु जी की जो कुछ करेंगे, आप लोग गुरु जी का शिष्य यहाँ पर बहुत है, गुरु जी का शिष्य है। इसलिए सबके सब मिलजुल करके हम जब एक एक को देखते हैं, हम तो आश्चर्य होते हैं। यहाँ पर गुरु जी की विशेष कृपा, वो प्रभु जी बहुत पुराने भक्त, इनका हरि कथा जब हम देखते हैं वो सब सागर जैसे है। इसलिए गुरु जी की कृपा सब यहाँ पर सब भक्त लोग ऊपर में है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके गुरु जी की संस्था को, गुरु जी की भावना को, गुरु जी को, हाँ चीज को बढ़ानी चाहिए आगे। बोले श्री गुरु जी महाराज की। हाँ देखो कल हमारी कथा की विश्राम का दिन, कल हम लोग यहाँ पर श्री गिरिराज अन्नकूट महोत्सव करेंगे, हाँ और हमारे गिरिराज अन्नकूट का विशेष विशेष महत्व बताया। इसलिए गोपाल चप्पू में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, हाँ जब ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की, गिरिराज संतुष्ट हो गए और गिरिराज जी स्वयं अपना मुंह से ये वाणी बताए। देखो क्या बोलते हैं, बोले ये अन्नकूट महोत्सव में, अगर एक चावल का किणिका किसने भोग लगा दिया, केवल एक चावल का किणिका, भगवान स्वयं कह रहे हैं किसी जीवन में उनको घरों में अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा, लक्ष्मी भरपूर उस घर में रहेगी। ये भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है। इसलिए कल हम अन्नकूट करेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने चाहिए। इसलिए आप लोग सबके सब आपस आपसे बात कर लो, आप लोग जो भक्त लोग हैं सब कुछ ना कुछ सभी घर से कुछ ना कुछ बना करके लाना, हाँ आपस आपस में बात कर लेना, जब सब भी ये बनाए एकदम कल चकाचक गिरिराज जी की उत्सव होने चाहिए, प्रसाद होने चाहिए। बोले श्री गिरिराज महाराज। हाँ कल ये हमारी कथा की कल अंतिम दिन है, कल यहाँ पर 3 बजे यज्ञ होगी। कथा कितने बजे हमारी? 5 बजे कथा है। इसलिए देखो कल यहाँ 3 बजे कल हम यज्ञ करेंगे। जो यज्ञ है वो साधारण यज्ञ नहीं, जो पंडित लोग करते हैं जगत में देखते हो, ये साधारण यज्ञ नहीं, ये यज्ञ है हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये जो यज्ञ उन्होंने बताया
दूसरे जो देवादेव कहते हैं इधर उधर देवादेवों का नाम पर, इसमें ये नहीं, इसमें सारे संतों का नाम को लेकर के, हाँ, सारे संतों का, सारे भक्तों का नाम को ले लेकर ये यज्ञ है, जिसमें केवल भगवान के भक्तों का केवल नाम ही नाम इसमें है, हाँ, इसलिए ये यज्ञ से भगवान की प्रेम और भक्ति बढ़ेगी, और यज्ञ का तो विशेष विशेष महत्व है, इसलिए यज्ञेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण, हम जिस भावना को लेकर हम यज्ञ करेंगे, ये जो भक्ति रूपी यज्ञ हमारे सारी इच्छा को ये यज्ञ पूरी करने वाले हैं, ये यज्ञ की विशेष महत्वपूर्ण यज्ञ है, इसलिए हो सके अपना अपना घर से थोड़ी सी कोई घी ले आना यज्ञ के लिए, थोड़ी सी हवन सामग्री ले आना, उसमें आप लोग को जो संभव हो थोड़ी 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 ले आना, हाँ हो गया, तभी अगर जो ले आए उसमें सुहा कर देंगे अच्छा होगा, और करने पर स्थान का भी पवित्रता हो जाएगा, और कथा की लास्ट दिन है, इसलिए कल हम 3 बजे शाम को यहाँ यज्ञ होएगा, आप लोग सबके सब आ जाइएगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे रसना राधे राधे बोल, ये दूसरा गाता हूँ, राधे श्री राधे रटो निशेदने छोया जाओ रे श्री राधे बसे सोई अमारो धाम जाओ रे श्री राधे बसे सोई हमारो धाम जय जय श्री राधे सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो Thank you.
Nathani ko
हिगन के दे तो जग भाईगे मैया के तो बधाई हिगन के दे तो जग भाईगे मैया के तो बधाई गाधा जन्म धुनी आईगे मैया के तो झुका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी अगे सुनगा को अगे सुनगा को जिद बन भाई गे मैया दे दो बधाई सुनगा को दे बनवाई गे मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई गाथा जन्म दुनी आई रे मैया दे दो बधाई कसंधी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी कसंधी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी अगे मोती को दे दे अगे मोती को दे दे बुवाई गे मैया दे दो बधाई मोती को दे बुवाई गे मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई अगे गाथा जन्म सुनी आई मैया दे दो सारी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी सारी ओ मैं तो चुनरी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी सारी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी लहंगा तो अरे लहंगा लहंगा के दे दे सिपाहिए दे दो बनवाई गे मैया दे